जब भी आप व्हाट्सएप पर किसी इमेज को या फिर किसी फोटो को आप जब भी किसी को सेंड करते हो तो उसकी इमेज की जो क्वालिटी होती है वो उस तरीके की नहीं होती है जो आपने सेंड की होती है। तो व्हाट्सएप यहाँ पर करता क्या है कि आपकी जो इमेज की क्वालिटी होती है उसे कंप्रेस कर देता है ताकि उसे वो जल्दी से सेंड कर पाए, क्योंकि उसका साइज जितना छोटा होगा वो जल्दी से ही सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको व्हाट्सएप पर किसी इमेज को या फिर किसी फोटो को अगर आपको सेंड करना है और सामने वाले पर भी वो फोटो उसी क्वालिटी में रिसीव होना चाहिए, यानी कि दूसरे मोबाइल फोन में व्हाट्सएप पर उसी क्वालिटी में दिखना चाहिए, तो कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक सेटिंग करनी है व्हाट्सएप में, तो वो कौन सी सेटिंग है, आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको स्टोरेज एंड डेटा पे जाना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोटो अपलोड क्वालिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑटो, बेस्ट और इसके बाद आपको डेटा सेवर। तो यहाँ पर ये ऑटो पे होगा या फिर डेटा सेवर पे होगा, तो आपको इसको बेस्ट पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। इसके बाद जब भी आप व्हाट्सएप पर किसी फोटो को आप सेंड करोगे तो वो कभी कंप्रेस नहीं होगा, यानी कि जिस क्वालिटी में आपने फोटो सेंड किया है सामने वाले को उसी क्वालिटी में वो रिसीव होगा। इसके बाद मैं आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूँ जिससे कि आपकी व्हाट्सएप की जो फोटो है अगर आप किसी को सेंड करते हो तो वो कभी भी कंप्रेस नहीं होगा, कभी भी उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, जो आपकी फोटो है उसे आपको डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में आपको सेंड करना होता है। तो आपको जैसे आप डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में आप किसी फोटो को आप सेंड करते हो तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो कभी भी कंप्रेस नहीं होती। जितने भी एमबीपीएस का है या फिर जितने भी केबीपीएस का जो फाइल है वो सामने वाले को उसी फॉर्मेट में सेंड होगा, यानी कि कोई भी कंप्रेस यहाँ पर इमेज को नहीं करेगा। तो आप आसानी से आपकी जो व्हाट्सएप की जो क्वालिटी है यानी कि व्हाट्सएप फोटो की जो क्वालिटी है उसे आप उसी तरीके से आप सेंड कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों व्हाट्सएप पर आपकी जो फोटो कंप्रेस हो जाती है, यानी कि जब भी आप किसी को सेंड करते हैं तो उसे आप इन 2 तरीकों से आप आसानी से किसी भी फोटो को उसी क्वालिटी में आप सेंड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक और यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।